खरगोन जिले में 6 पत्रकारों के खिलाफ खनिज अधिकारी ने एट्रोसिटी एक्ट की धाराओं के तहत कार्यवाही के बाद पत्रकारों में खासा रोष व्याप्त है, जिसके विरोध में जिला पत्रकार संघ ने मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन देने पहुंचे, लेकिन 1.5 घंटा इंतजार करने के बाद भी गेट पर ज्ञापन रखकर वापस लौटना पड़ा और पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा है। इस दौरान पत्रकारों ने खासा रोष व्यक्त करके प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करके बताया कि अवैध खनन के खिलाफ पत्रकारों की आवाज़ को दबाकर उनके खिलाफ FIR दर्ज की गई है, उसमें आने वाले समय में देश के भविष्य का भगवान ही मालिक है। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। हमारे पत्रकार साथियों के साथ विगत दिनों खनिज अधिकारी द्वारा एक FIR दर्ज करवाई गई, उस संबंध को लेकर हमने आज पत्रकार जिला पत्रकार संघ के तले हमने आज सारे पत्रकार लोग जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने गए थे। इसके पहले हमने कलेक्टर महोदय से टाइम ले लिया था, उन्होंने कहा था कि मैं मीटिंग के जेल की मीटिंग में रहूँगी, उसी जेल की मीटिंग जिससे ही समाप्त होगी मैं आपसे मिल लूँगी। इस बीच में हम जब वहाँ पहुँचे तो हमने करीब 1 घंटा उनका इंतज़ार किया, मीटिंग भी समाप्त हो गई। हमने उन्होंने ADM और SDM साथ प्रशासनिक अधिकारियों को भेजा भी, यहाँ आए भी, उनसे हमारी बात भी, पता चला कि मैडम दूसरी मीटिंग में लग गई हैं और हम रास्ता देखते रहे। काफ़ी देर तक रास्ता देखा, गर्मी का समय था, हमारे भाई लोग सब परेशान हो रहे थे, अभी आ रही हैं अभी आ रही हैं। न आने पर उनके हमने कलेक्ट्रेट के दरवाजे पर गेट के ऊपर हमारा ज्ञापन रख दिया और हम भाई लोग निकल आए। क्या मानते हैं आप ये जो हुआ? प्रशासनिक अधिकारियों का रवैया ठीक नहीं है मीडिया के साथ। कलेक्टर महोदय ने सोचना था कि इतना बड़ा मीडिया जब आके खड़ा है और मेरी बात हो चुकी थी तो उन्होंने आके अगर ज्ञापन ले भी लेते तो कोई बहुत बड़ा अनर्थ नहीं था और हमारी बात भी सुन ली जाती। मीडिया जिले का प्रशासन के साथ हमेशा खड़ा रहा है और हमेशा अच्छे भले कार्यक्रमों में प्रशासन की मदद करता है। अब ऐसे विषय में भी अगर प्रशासन हमारा साथ न, हमारी बात को मान सम्मान न रखे तो फिर ऐसे प्रशासन का साथ कैसे दिया जा सकता है? एक पुलिस अधीक्षक से मिले आप, क्या आश्वासन मिला? पुलिस अधीक्षक महोदय ने बड़े अच्छे से हमारे साथ व्यवहार किया, हमने जिनसे समय मांगा तत्काल बाहर आए, पूरे जिला मीडिया के साथ उन्होंने चर्चा की, हमारा ज्ञापन भी लिया, हमारे से पूरी बातचीत की और आश्वासन भी दिया कि जो भी सही होगा जांच में पाया जाएगा वो किया जाएगा। हम पुलिस अधीक्षक महोदय की तो तारीफ करते हैं इस संबंध में, ताकि जिला कलेक्टर महोदय ने जिस प्रकार से ये व्यवहार किया है, पता नहीं आप क्या उनकी कारण रहे हो, मैं इस पर नहीं जाना चाहता, परंतु थोड़ा सा अगर वो समझ जाते हैं तो बहुत अच्छा होता, कोई मीडिया उनके खिलाफ नहीं है और मीडिया उनका हमेशा प्रशासन का साथ देता है। क्या शासन प्रशासन क्या मांग करते हैं आप? शासन प्रशासन से यही मांग करते हैं कि जो हमारे भाइयों के खिलाफ FIR दर्ज हुई है गलत हुई है, उस FIR को ख़त्म किया जाए, जो एक्ट लगा है वो गलत तरीके से लगाया गया है, उस पर जाँच की जाए। हमारी मांग यही थी कि भाई जाँच की जाए और जाँच के अंदर जो भी पाया जाए उस पर कार्रवाई हो। हम ऐसे ये नहीं कहना चाहते कि यार तुम पूरी तरीके से किसी को बख्श दो या किसी का वो भी कर दो कि हमको बिल्कुल बरी कर दो, अगर गलत है तो गलत करो, सही है तो सही करो, बाकी जाँच तो करो। क्या नाम है आपका? सुनील शर्मा, जिला पत्रकार संघ अध्यक्ष खरगोन। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।